कि यह मोटरसाइकिल लॉन्च हो चुकी है और टेस्ट राइड भी ले सकते हैं। इस मोटरसाइकिल में आपको बेल्ट ड्राइव सिस्टम मिलता है। फिलहाल मैं हूँ कीवे के पवेलियन पे और कीवे के पवेलियन पे आपको एक से बढ़ के एक मोटरसाइकिल दिखने वाली है। मैं आप लोगों के साथ काफी सारे वीडियोज इस पवेलियन से शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें आप लोगों ने काफी इंटरेस्ट भी दिखाया है। एक और ये कीवे की साइड से नई मोटरसाइकिल है और यह जो मोटरसाइकिल है ये 300cc सेगमेंट की है। खास बात यह है कि यह मोटरसाइकिल लॉन्च हो चुकी है, आप इसे सड़कों पर चलते हुए देख सकते हैं, बुकिंग इसकी कर सकते हैं और टेस्ट राइड भी ले सकते हैं। अब ये कीवे की 300cc मोटरसाइकिल है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि 300cc सेगमेंट में कैसे यह मोटरसाइकिल दूसरी मोटरसाइकिल से बेटर है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे कलर ऑप्शंस की। इसमें आपको दो कलर ऑप्शंस मिलते हैं। अभी आप जो फ्रेम में देख रहे हैं ये रेड कलर में है, हालांकि रेड कलर का जो यूज है वो सिर्फ फ्यूल टैंक पर किया गया है। इसके अलावा यह आपको ऑल ओवर पूरी तरह से ब्लैक कलर में भी मिलती है। अब आती है फ्रंट डिजाइन की बात, तो आप यहाँ पर देखेंगे फ्रंट डिजाइन कीवे की ज्यादातर मोटरसाइकिल में आपको फ्रंट डिजाइन जो है यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम दिया गया है। यहाँ पर आपको राउंड हेडलाइट सेटअप मिल जाता है। इसमें आप यहाँ देखेंगे ये पूरा एलईडी है और यहाँ पर आपको एलईडी टर्न इंडिकेटर मिलते हैं। मिड में आपको मिलती है बेंडा की बैजिंग। तो ये इसकी फ्रंट प्रोफाइल है, काफी स्लीक सी, काफी स्टाइलिश सी दिखने वाली इसकी आपको फ्रंट प्रोफाइल मिलती है। अब अगर साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड प्रोफाइल से आप ये देखिए आपको कुछ ऐसी इसकी साइड प्रोफाइल मिलती है। व्हील साइज की बात करें तो 207/80 का इसमें 16 इंच का व्हील आपको दिया गया है। डिस्क ब्रेक इसमें आपको आते हैं, 16 इंच का व्हील है, 120/80 इसका सेक्शन है। सस्पेंशन पर लाइटिंग सेटअप आप यहाँ पर देख सकते हैं रेड कलर में। आप यहाँ देखेंगे फ्यूल टैंक पर आपको नॉर्मल पैड मिल जाता है, जिस पर कीवे बेंडा की बैजिंग है। उसके नीचे 302 की बैजिंग आपको यहाँ दी गई है और एक कीवे की बैजिंग यहाँ दी गई है। ये 300cc सेगमेंट के क्रूजर से दिखने वाली मोटरसाइकिल है। सीट आप देखेंगे आपको इसमें स्प्लिट सीट नहीं मिलती है, एक ही अपार्ट आपको इसमें सीट्स का मिल जाता है। इसके साथ ही आप यहाँ पर एग्जॉस्ट देख सकते हैं। एग्जॉस्ट की साउंड मैं आपको यहाँ पर नहीं सुनवा सकती हूँ, बट डेफिनेटली बहुत जल्द इस बाइक के एग्जॉस्ट की साउंड में आपको सुनवाऊंगी। रियर व्हील की वाइडनेस काफी ज्यादा है, 150/80 सेक्शन का रियर व्हील है, हालांकि ये सिर्फ आपका 15 इंच का है। रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक मिलता है और यह मोटरसाइकिल आपकी आती है डुअल चैनल ABS के साथ। अब रियर प्रोफाइल से आपको कुछ ऐसी लगती है, काफी स्लीक सी और स्टाइलिश सी दिखने वाली इसकी रियर प्रोफाइल है। टेल लाइट को यहाँ पर सेटअप किया गया है और दोनों साइड आपको LED टर्न इंडिकेटर कुछ ऐसे मिल जाते हैं। तो बात आती है इंजन की, तो इस मोटरसाइकिल में आपको मिलता है 300cc का V12 इंजन और यह इंजन आपका आता है 4-stroke 8-valve। इसके साथ ही अगर मैं पावर और टॉर्क की बात करूं तो 29 BHP के आसपास इसकी पावर है और 26 Nm के आसपास इस बाइक में आपको टॉर्क मिल जाता है। तो लुक वाइज बाइक बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत ही स्टाइलिश लग रही है। कीवे की हम नॉर्मल मोटरसाइकिल्स देखते हैं, कीवे इंडियन मार्केट का एक ऐसा ब्रांड है जो बाइक के डिजाइन के साथ काफी ज्यादा खेल रहा है। हर सेगमेंट में कंपनी के पास एक क्रूजर सी दिखने वाली मोटरसाइकिल है। लगता है कि कीवे को पता चल गया है कि इंडिया में जो लोग हैं, इंडिया की जो यूथ है, उन्हें क्रूजर लुक से काफी ज्यादा प्यार है। अब यहाँ पे हैंडल बार देखेंगे, काफी स्लीक से डिजाइन के साथ आपको हैंडल बार दिया गया है। यहाँ पर आपको कंसोल मिल जाता है जिसमें ऑलमोस्ट सभी इंफॉर्मेशन आपको डेफिनेटली दी गई होंगी। राइडर के लेफ्ट साइड में आपको नॉर्मल स्विचेस मिल जाते हैं, जो नॉर्मली बाइक्स में आप देखते हैं, लेफ्ट में आपको स्विचेस यहाँ मिल जाते हैं। अब बाइक का डिजाइन तो काफी अच्छा है, व्हाट अबाउट द प्राइसेस, बाइक का प्राइस कितना है? इससे पहले कि हम प्राइस के बारे में बात करें, मैं आपको इसका टोटल वेट बता देती हूँ। 167 किलोग्राम के आसपास इसका टोटल वेट है और इसकी जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो 15 लीटर के आसपास है। इस मोटरसाइकिल में आपको बेल्ट ड्राइव सिस्टम मिलता है। इसके साथ ही दूसरी वीडियो में मैंने आपको एक 500cc की और एक 700cc की मोटरसाइकिल दिखाई थी, उनमें से 700 में आपको मिलता है चेन सिस्टम जबकि 500 में आपको मिलता है बेल्ट सिस्टम। कंपनी का कहना है कि 35 से 40 किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज आपको निकाल के देने वाली है। तो बात आती है प्राइसिंग की। इस मोटरसाइकिल के प्राइस रखे गए हैं 4,09,000 के आसपास, जो कि एक्स शोरूम है। अब इस प्राइस रेंज में इस मोटरसाइकिल का डिजाइन काफी अच्छा है, पावर काफी अच्छा है एंड फिलहाल अभी है, हाल ही में लॉन्च हुई है, तो माइलेज के बारे में इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। फिर भी माइलेज जो कंपनी ने क्लेम किया है वो मैं नीचे मेंशन किए दे रही हूँ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, फिर से मिलेंगे आपके साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।